गणतंत्र दिवस पर कल दिल्ली में हुई घटना के बाद पूरे हरियाणा में अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी कड़ी में चरखी दादरी में सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने की शांति बनाए रखने के लिए जिले में 4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाने की तैयारी कर दी है। बता दें कि दिल्ली में कल हुई घटना के बाद हरियाणा में अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी चरखी दादरी जिले में शांति बनाए रखने व किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली है। हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई उसको देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है और हम लोग स्थिति को वॉच कर रहे हैं। दादरी में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई भी ऐसी घटना यहाँ पे नहीं हुई है और ना ही हमें अंदेशा है। फिर भी कुछ शरारती तत्व किसानों में मिलकर कुछ इंस्टॉलेशंस को और शांति आदि बिगाड़ सकते हैं, तो हमारी अभी वॉच जारी है और बिल्कुल स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना का अंदेशा भी नहीं है और ना ही कोई घटी है। प्रबंध पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट में लगाए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हैं, स्थिति को वॉच कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो धारा 144 भी लगा दी जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति हमें नहीं लगती है। यहाँ पे बड़ा पीसफुल एटमोसफेयर है। बारडा में भी काफ़ी किसान लोग वापस आने शुरू हो गए और वो शांति प्रिय ढंग से अपने गाँव में अपने घरों में जा रहे हैं। जी, 4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट में तैनात किए हैं जिसमें नायब सजातर हमारे नायब तहसीलदार हैं, 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट दादरी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।